आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एरो ग्रेनाइट जो कि एक ग्रेनाइट सेक्टर की कंपनी है उस पर चर्चा करेंगे। यह कंपनी भारत के एक नहीं वरन दो अग्रणी निवेशक सुब्रमण्यम पी और दिलीप लाखी जी के पोर्टफोलियो का हिस्सा है। कंपनी के दो प्रमुख उत्पाद है, एक है ग्रेनाइट स्लैब और दूसरा है ग्रेनाइट टाइल्स। कंपनी अपने ज्यादातर उत्पाद बाहरी देशों में निर्यात करती है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और पूर्वी बाजारों में अपने उत्पाद ग्रेनाइट स्लैब और ग्रेनाइट टाइल को निर्यात करती है। कंपनी की वार्षिक क्षमता है 1.8 लाख स्क्वायर मीटर यूनिट वन में। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यूनिट वन और यूनिट टू। यूनिट वन में का क्षमता है 1.8 लाख स्क्वायर मीटर और इनके पास चार पेड्रिनी ब्लॉक कटर है, पॉलिशिंग मशीन है, रेजिंग लाइन है और चैम्फरिंग मशीन है। ये सब मशीनों के नाम है जो ग्रेनाइट प्रोसेसिंग में काम आते हैं। कंपनी का दूसरी जो यूनिट है उसमें उनकी कैपेसिटी है 3.9 लाख स्क्वायर मीटर की, तो इनकी दूसरे यूनिट की क्षमता है वो पहले यूनिट की क्षमता से ज्यादा है। और कंपनी का टैलिंग प्लांट भी यूनिट टू में है और इनकी कैपेसिटी है 3.6 लाख स्क्वायर मीटर प्रतिवर्ष। सो कंपनी की अगर हम दोनों यूनिटों को मिला लें तो दोनों यूनिट को मिला के इनकी क्षमता 5 लाख स्क्वायर मीटर प्रतिवर्ष से ज्यादा है, जो कि काफी अच्छी बात है एक कंपनी के लिए। कंपनी के दोनों यूनिट होसूर में है और यह जो होसूर वाली की यूनिट है 100% निर्यात की यूनिट है, मतलब यहाँ से जो भी उत्पाद कंपनी बनाएगी वो भारत के बाजारों में इस्तेमाल नहीं कर सकती है, बेच नहीं सकती है, उसे उसे निर्यात ही करना पड़ेगा। तो एक तरह से पूरी तरह निर्यात आधारित कंपनी है। इनका घरेलू बाजार ना के समान है, इनकी जो भी आय होती है वो निर्यात से होती है, तो निवेशकों को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ आपको बता दो कि ग्रेनाइट एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनियां ऐसी लिस्टेड कंपनियां नहीं है, ज्यादातर कंपनियां छोटी मोटी कंपनियां लिस्टेड है क्योंकि ज्यादातर लोकल दुकान वाले या लोकल यूनिट्स अनलिस्टेड कंपनी इसमें ज्यादा है। इन दोनों निवेशकों के पोर्टफोलियो की खासियत यह है कि इन्होंने ग्रेनाइट की कई कंपनियों में निवेश किया है, क्योंकि वह अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ मूवमेंट होगा जिसका फायदा लिस्टेड कंपनियों को होगा। तो रिटेल निवेशक के आधार पे आपको निवेश करने के पहले बाकी सारी कंपनियों का भी विश्लेषण कर लेना चाहिए जिनमें इन्होंने निवेश किया है, और वो जानकारी आपको मणिपति.com पे मिल जाएगी। भविष्य के वीडियो के लिए आप मणिपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक घंटी दिखाई देगी, उस पर क्लिक करिए। यह आपको बता दूं मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूं। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है मेरी खुद की रिसर्च है और मैं इसे साझा करता हूं ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। धन्यवाद।